नमस्कार, मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और मैं आपको बनाने सिखा रहा हूँ कडला करी। भाई कडला करी सुनते ही आप सोचते होंगे ये कहाँ की डिश है। ये केरला की डिश है और काले चने से बनती है। ये बढ़िया काले चने जो हैं ये उबाल के रखे मैंने और बहुत हेल्दी होती है। और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? फ्रेशली स्क्रेप्ड कोकोनट, टमाटर, प्याज, कोकोनट ऑयल, करी पत्ता, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और ये जो है चने जब पकाए थे उसका पानी है, ये फेंकना नहीं है आपने। सबसे पहले ये हांडी में कोकोनट ऑयल डाल लेते हैं, थोड़ा सा बचा लेंगे और बाकी इसमें डाल लेंगे। दो बड़े चम्मच इसमें डाल लिया और एक चम्मच बचा लिया आपने। और इसमें डालेंगे ये प्याज, प्याज को हल्का सा भून लेंगे। ये प्याज को हल्का सा भूनने के बाद, ब्राउन नहीं करना आपने, बस हल्का सा भूनना है। भूनने के बाद डालेंगे इसमें टमाटर और इसे भी प्याज के साथ पका लेंगे। और जब टमाटर हल्के से भून जाए तो इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और लगभग 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। 2 से 3 मिनट बाद आपने डालना है ये कोकोनट, इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक भूनना है और फिर बंद करके ये जो मिश्रण हमने तैयार किया है इसका बनाएंगे हम पेस्ट। ये मिश्रण को एक मिक्सी में लेके ग्राइंड कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं बंद। ये जो मिक्सचर है ये देखिए, मैंने बिल्कुल बारीक नहीं पीसा, इसे इस तरह से दरदरा सा पीसा है ताकि जो फ्लेवर और जो टेक्सचर है वो बिल्कुल बरकरार रहे और जैसे कडला करी मिलती है वैसे ही रहे। और ये जो पैन में हमने मिश्रण बनाया था पहले, उसी में डाल लेता हूँ मैं तेल और तेल को होने देते हैं गरम। तेल का ध्यान रहे, तेल हमने यहाँ पे नारियल तेल यूज़ किया है। तेल जब हो जाए गरम तो उसमें डालेंगे ये करी पत्ते, साथ ही साथ डालेंगे ये जो मिक्सचर हमने पीसा है ये इसमें डाल लेते हैं। अब इस मिक्सचर को लगभग 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे बढ़िया तरीके से। और जब मिक्सचर 2 से 3 मिनट तक भून जाए तो इसमें डालेंगे ये चने, नमक और ये जो चने का पानी है वो भी इसमें डाल लेते हैं। अब इस कडला करी को 4 से 5 मिनट तक ढक के पकाएं, तब तक ग्रेवी भी बढ़िया पक जाएगी, मतलब थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। चनों में भी जो आपके स्पाइसेस डालें आपने वो भी बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे और कडला करी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। भाई इसे खाएं अपम के साथ, नीर डोसा के साथ। कडला करी जैसे मैंने बनाई है वैसे बनाएं और उसका मज़ा लें।